नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज 18 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां एसटीएफ और पुलिस की टीम ने एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश जाहिद उर्फ सोनू को ढेर कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मारा गया है ये बदमाश आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। 20 अगस्त को 2 आरपीएफ जवानों की हत्या हुई थी। आरपीएफ जवान बाड़मेर एक्सप्रेस से मोकामा ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे और इस मामले में 6 बदमाशों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मारा गया बदमाश जाहिद उर्फ सोनू बिहार के पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था, तो आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर जो कि दिलदार नगर जमनिया रेलवे ट्रैक के साइड में, वहाँ से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहाँ पहुँचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए हैं। और जवाबी फायरिंग में ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसको सबसे पहले सीएससी पर ले जाया गया। वहाँ पर इसको फिर रेफर किया गया गंभीर घायल होने के कारण, और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर यहाँ पर आए हैं। तो वहाँ यहाँ पर इसको डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं गाजीपुर से। मनीष, ये पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे, ये बड़ा एनकाउंटर, बड़ी सफलता आप कह सकते हैं पुलिस के हाथ लगी है, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, मनीष विस्तार से बताएं। देखिए, आपको बता दें कि गाजीपुर में पिछले 20 अगस्त को गहमर थाना क्षेत्र के बकनिया गाँव के पास रेलवे ट्रैक पर 2 शव मिले थे। बाद में उन शवों की शिनाख्त हुई तो वो दोनों शव आरपीएफ जवान प्रमोद सिंह और जावेद अहमद के थे। जब तफ्तीश की गई, रेलवे पुलिस ने तफ्तीश की, सिविल पुलिस ने तफ्तीश की, तो मालूम चला कि ट्रेन के अंदर ये दोनों जवान चंदौली से, मुगलसराय से बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से अपने ट्रेनिंग सेंटर मोकामा जा रहे थे, और इसी दौरान शराब तस्करों ने ट्रेन में उन्हें बुरी तरह मारा पीटा और उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपी शराब तस्करों को लेकर पुलिस लगातार एक्टिव थी, और इससे पहले भी इन आरोपियों में से 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे। पिछले कुछ दिनों पहले ही, तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही, एनकाउंटर में इनमें से शामिल एक बदमाश को गोली लगी थी और उसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया था। और जो मुख्य आरोपी था, पटना का रहने वाला, पटना के फुलवारी शहीद इलाके का रहने वाला जाहिद उर्फ सोनू, ये मुख्य आरोपी था आरपीएफ जवान हत्याकांड के मामले में। इसे पुलिस लगातार तलाश रही थी और बीती रात दिलदार नगर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर पर राजनीति हो रही है, विपक्ष सरकार को फर्जी बताकर घेर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा एनकाउंटर जिसमें पुलिस की पीठ थपथपाने की जरूरत है, एक बड़े ऑपरेशन में 2 आरपीएफ के जवानों को हत्या कर देने वाले इन बदमाशों में पकड़ा भी गया है और एक बदमाश को ढेर भी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। आगे बढ़ते कुशीनगर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बरुआर गैंग के 2 बदमाश हैं जो घायल हुए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोंडा के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और 2 मोबाइल फोन, 1 बाइक बरामद कर ली गई है। हाटा कोतवाली के महुआडी रोड पर पटनी पुल के पास में ये मुठभेड़ हुई है। उधर हरदोई पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 1 आरोपी पर लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर और हरदोई के कई थाना क्षेत्रों में चोरी, लूट, हत्या की कोशिश और गोवध के 59 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दूसरे आरोपी पर अलग अलग जनपदों में 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से लगभग 21,000 कैश, 3 मोबाइल फोन्स और 1 पिकअप बरामद की है। पुलिस ने बताया है कि वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस की संयुक्त टीम को यह कामयाबी मिली।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं शाहजहांपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 44 ग्राम स्मैक भी बरामद कर ली है। ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। यहाँ पर जो ये घटना हुई है, ये घटना थाना कलान इलाके की बताई जा रही है, जहाँ पुलिस ने बदायूं फरुखाबाद स्टेट हाईवे पर दो तस्करों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शातिर शाहजहांपुर में स्मैक की तस्करी करने की फिराक में थे। वहीं शाहजहांपुर में ही दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग भी की गई है। इस मामले में वीडियो एक सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, उस वीडियो के अंश भी आपको दिखा रहे हैं। जो आप देखेंगे ये वही वीडियो है जो इस मामले से जुड़ा हुआ है। वीडियो में एक शख्स असला का प्रदर्शन कर रहा है। बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये के लेन देन का ये विवाद है, और इसी मामले में आरोपी जो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, इसके साथ 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला बंदापुर थाना क्षेत्र का है। आज अपराह्न में पुलिस को जानकारी हुई कि सत्येन्द्र सिंह और हरसिमरन सिंह दोनों सगे साले और बहनोई हैं, इनके मध्य में 1,00,000 रुपए और 1,00,000 रुपए के लेने देने का कुछ विवाद था। उसी विवाद में दोनों पक्षों को वार्ता के लिए थाने पर बुलाया गया। वार्ता होने के उपरांत दोनों पक्ष बाहर चले गए। बाहर जाने के उपरांत दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को धमकाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग कर दी। उक्त प्रकरण में थाने पर उचित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें 6 नामजद और 2-3 अज्ञात व्यक्ति नामित किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं, जिसमें लगातार दबिश दी जा रही है। शाहजहांपुर के बाद अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बच्चों से भरी हुई अनफिट स्कूल बस को ARTO ने पकड़ा है। ये अनफिट स्कूल बस है जिसमें बच्चे भी सवार थे। स्कूल बस को कब्जे में लेकर ऑफिस पहुंचे और इस दौरान बस धूप में खड़ी रही। बस के अंदर बच्चे और टीचर्स परेशान रहे। बस JTS स्कूल की है। वहीं मौके पर पहुंचे अभिभावकों ने हंगामा कर डाला, ARTO पर कार्रवाई की मांग की। बस को पकड़ा जिसमें बच्चे बैठे थे, तो उन्होंने बस लेके RTO ऑफिस आ गए और हमको सूचना दी कि आप दूसरी बस भेजिए, जिससे कि बच्चे सकुशल अपने घर जा सकें। तो हमने उनसे कहा भी कि भी थोड़ी देर लग सकती है सर, बस मेरी कहीं दूसरे रूट पे है, तो दूसरी बस। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से बच्चों को छुड़वा रहा हूँ, जो बच्चे नहीं गए रहेंगे आप उनको छुड़वा दीजिए तब तक, क्योंकि उनकी गाड़ी छोटी थी। तो उसके बाद कुछ अनावश्यक लोगों ने उसको तूल पकड़ाया उस बात को। यहाँ पे जो लोग थे उन लोगों ने बताया कि RTO साहब बच्चों को छोड़ नहीं रहे, बच्चों सहित बस को पकड़ लिए हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। हमसे बात भी हुई, उन्होंने फोन पे भी बात की हमसे। बढ़ते आगे बहराइच की खबर आपको देते हैं, जहां पर चलती पिकअप गाड़ी में आग लग गई। आग से गाड़ी जलकर राख हो गई है। पिकअप के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचाई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, चलती पिकअप में जो आग लगी है, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। ऐसी संभावना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। बहराइच नानापारा हाईवे की ये घटना है। संभल में रेप पीड़िता की हत्या की गुत्थी को संभल पुलिस ने सुलझा लिया। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि हत्या के पीछे दुष्कर्म के आरोपी हैं, लेकिन जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। संभल पुलिस ने खुलासा किया कि पीड़िता की हत्या के आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसके 2 सगे भाई और मां और मामा सहित 4 लोग ही हैं। देखिए रिपोर्ट। संभल पुलिस ने रेप पीड़ित हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया। लड़की के भाई, उसकी मां और मामा ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल रेप पीड़िता की गोली मारकर हत्या की घटना 18 सितंबर की रात को कैला देवी थाना इलाके के गांव भमोरी पट्टी में हुई थी। भाई और मां के साथ आ रही रेप पीड़िता पर गोलियां बरसाकर हत्यारों ने उसकी जान ले ली थी। मृतक लड़की के भाई ने अपनी बहन से पहले रेप के आरोपी रहे गांव के लड़के और उसके मामा के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था। पुलिस ने घटना की जब बारीकी से जांच की तो पता चला कि लड़की के घर वालों ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले
कि किस तरीके से इस लड़की है इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी इसमें। फिर 18 तारीख की शाम के समय माँ ने अपनी बेटी को वहां से बस में बैठा के लाती है, काफी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बैठा के लेके जाता है, और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में, उसके सीने में 2 गोली मारता है, और उसके बाद में वह मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है और गाजियाबाद चला जाता है। इस पूरी घटना का सफल अनावरण जो है हमारे थाना केलादेवी पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 लाइव कार्ट्रिजेस, और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है उसका घटना उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीज़ें हैं वो इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेज हैं वो पुलिस को प्राप्त हुआ है। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस का सहारा लेकर जब जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि लड़की के परिजन ही उसके चाल चलन को लेकर काफी नाराज थे। लड़की के भाइयों, माँ और मामा ने हत्या की साजिश रची। उसकी माँ के साथ लड़की को गाजियाबाद से गांव बुलाया गया। पहले एक भाई और मामा रास्ते में खड़े थे, दूसरा भाई अपनी माँ और बहन के साथ पहुँचने की लोकेशन देता रहा। स्कूल के पास एक भाई और मामा ने रेप पीड़िता को मारकर मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना में अपनों ने ही अपनों का खून कर दिया। पूछताछ में इसके जो भाई हैं विनीत और नीरज और इसकी माँ, इन द्वारा बताया गया कि लड़की का चाल चलन उनको ठीक नहीं लगता था और काफी समझाने के बाद जब वो नहीं मानी तो इसी वजह से परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर उसका जो है मर्डर करने का प्लानिंग बनाया था। ये एक सोची समझी साजिश थी इनकी, जिसके तहत ये चाहते थे कि पुलिस को जो 2 अभियुक्त नामजद हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और इन्होंने विभिन्न प्रेशर ग्रुप से भी और यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए ताकि पुलिस पे अनायास प्रेशर बना के जो नामजद अभियुक्त हैं ये लोग जेल चले जाएं, लेकिन पुलिस ने बिना किसी के दबाव में आए एकदम मेरिट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का एक सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त आज जेल जा रहे हैं, जिसमें 2 सगे भाई और उनकी माँ, और माँ का जो भाई मामा है वो अभी भी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। रेप पीड़िता हत्याकांड पर सियासत भी हो रही थी, लेकिन अब पुलिस ने घटना का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए लड़की के परिजनों ने गाँव के रिंकू और उसके मामा को हत्या में नामजद किया। मृतक लड़की वारदात वाले दिन अपनी माँ के साथ गाजियाबाद से अपने गांव आ रही थी, जहां गांव से पहले जंगल में उसके भाई और मामा ने उसकी हत्या कर दी। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।